हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्लैम जोन पे। वैसे यहाँ पर थोड़ा मैं कैमरा एंगल में थोड़ा गड़बड़ कर दिया हूँ। वही ये था कि भाई मैं कैमरा कंट्रोल कर रहा था, भाई यहाँ का जो एंगल आ रहा था बहुत ही गंदा आ रहा था। तो हम लोग ये रीमैच करने वाले हैं। इस बार मैं कोई भी मैनुअली कुछ नहीं करूँगा, ठीक है? तो ये मैच मैं करवा रहा हूँ सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर हेल इन सेल बैड ब्लड रिंग के अंदर। तो चलिए मैच शुरू करते हैं, और इस बार उम्मीद करूँगा कि पहले जैसा ना हो, क्योंकि इस बार मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगा। चलिए, क्या लगता है कि भाई इन दोनों में कौन जीतेगा? चलो भाई, एक फिनिशर लगा दिया है ड्रू मैकइंटायर ने सीएम पंक पे। अभी सीएम पंक ने यार एक भी फिनिशर लगाया नहीं है, इनके पास अभी एक फिनिशर है। क्योंकि मैंने एक ही एक दिए थे, क्योंकि अगर दो दे देता तो भाई ड्रू मैकइंटायर डायरेक्ट क्लेमोर लगा देते और ये मैच आराम से विन कर सकते थे। वैसे मैं बता दूं कि मैंने बैड ब्लड ऑन कर रखा है, तो पहले जिसका भी हेड से खून निकलेगा भाई वही मैच जीतेगा ये वाला, ठीक है? सीएम पंक थोड़ा बचने की कोशिश, रिवर्स करोगे कि नहीं? यार हेल्थ तो काफ़ी ज़्यादा चली गई है सीएम पंक की। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ड्रू मैकइंटायर ये मैच जीत जाएंगे इस मैच में। भाई रियल मैच में तो भाई सीएम पंक ही जीतने वाले हैं, चाहे देख लेना, क्योंकि तो भाई क्लेमोर अक्सर खोपड़ी से ब्लड निकाल देता है। तो देखते हैं कि कौन जो भाई, ये भी रिवर्स ही कर दिया ड्रू मैकइंटायर ने। सीएम पंक के साथ थोड़ा सा कांड हो सकता है, वैसे सिग्नेचर भी आने वाला है ना, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर के पास अभी देखो सीएम पंक की हालत ख़राब है, हेड भाई येलो हो चुका है, और ना ही सिग्नेचर है ना ही फिनिशर है। कोई चल रिवर्स कर देना, यहाँ पर डबल रिवर्सल नहीं है वैसे भाई साहब। ड्रू मैकइंटायर तो भाई खतरनाक खेल रहे हैं। जल्दी अंदर आओ सीएम पंक। वैसे अभी स्टंड है, स्टंड मीटर देखते हैं कहाँ है। कंप्लीट हो गया, उड़ अब तो उड़ जाओ। हाँ उड़ गए भाई, एक फिनिशर और यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर, सॉरी सीएम पंक की रेजिलेंस जा सकती है। वैसे इस पर रेजिलेंस चली भी जाएगी तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस मैच में वही जीतेगा जिसकी भी पहले ब्लड आ जाएगा। अंदर अंदर लेके जाओ ड्रू मैकइंटायर, यार अंदर लेके जाओ पहले सीएम पंक को। और भाई ये भी सही किक मारी है सीएम पंक ने। हेड डैमेज हुआ कि नहीं अभी ड्रू मैकइंटायर का? फिलहाल अभी हेड डैमेज नहीं हुआ भाई, सीएम पंक का ऑरेंज हो रखा है। चलो भाई, पता नहीं मुझे यहाँ पर क्यों लग रहा था कि ड्रू मैकइंटायर सिग्नेचर लगाने ग्रैपल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिक्कर नहीं पाए। उससे पहले ही सीएम पंक ने अपना हमला कर दिया। जैसे इस बार भाई सिग्नेचर लगाने जा रहे थे, लेकिन सीएम पंक ने भाई अपना ही सिग्नेचर लग कनेक्ट कर दिया है ड्रू मैकइंटायर के ऊपर। वैसे यह सबमिशन है तो फिलहाल कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ हेड डैमेज हो गया ड्रू मैकइंटायर का। रो भाई, इसी चीज़ को मैं कह रहा था, ड्रू मैकइंटायर इसी की फिराक में थे पहले। अभी सीएम पंक यार ब्लड अगर निकल आए तो ये मैच भाई, ब्लड निकल आया उनके सीएम पंक के, ये मैच सर जीत गए अपने ड्रू मैकइंटायर। जल्दी से निकलो, जीत गए ना यार। ये क्या ग्लिच है क्या? ये भाई लग रहा है ग्लिच हो गया है क्या गेम? नहीं नहीं सही है, मुझे लगा ग्लिच कर गया गेम। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। वैसे ड्रू मैकइंटायर के पास एक एडवांटेज ये था कि भाई इनका जो क्लेमोर है ना डायरेक्ट हेड पे ही बैठता है, और ये WWE 2K24 के अंदर भाई हेड सबसे पहले खून हेड में ही आता है। तो भाई जितना जल्दी हेड डैमेज होगा तो उतना जल्दी तो ब्लड आएगा ही, वही बात हो गई ना। और सीएम पंक का जो ज़्यादा डैमेज पड़ता है वो पड़ता है कमर पे, बॉडी डैमेज पड़ता है मतलब कि सीने में और छाती पीछे बैक साइड। तो एक एडवांटेज था यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर के पास। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे रियल मैच में तो भाई सीएम पंक ही जीतने वाले हैं, लगा लो सर। आप लोग का क्या ख्याल है भाई, कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं अगले मैच में। और भाई कितनी गुंडाई दिखा रहे हैं ड्रू मैकइंटायर, हारना इनका तय है। लेकिन और रैंडी ओर्टन का थोड़ा थोड़ा कॉपी करने का सोच रहे हैं, लेकिन उतना एक्यूरेट कॉपी नहीं कर पाए, थोड़ा सा तो भाई चेंज करना ही पड़ेगा ना।